तो अभी बात करते हैं, अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, गेमिंग के साथ साथ भी अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, टॉप थ्री बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री पर मैंने रखा है डेल की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ डेल गेमिंग 15 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, आपको 2021 मॉडल ये देखने को मिलेगा, अपने प्राइस रेंज में सेट बैठ जाता है एंड स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, 15.6 इंच के साथ आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, 120 रिफ्रेशर के साथ ये लैपटॉप दो कलर्स में देखने को मिल जाता है। i5 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर, 16GB रैम और 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिलेगी, RTX 1350 Ti देखने को मिलेगा, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड वो भी 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाता है, MS ऑफिस मिल जाता है 2021, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, पोर्ट्स वगैरह आपको सभी मिल जाएंगे, बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है जो कि ऑरेंज कलर में देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए डेल 15 के भी, ठीक है, ये गेमिंग डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, गेमिंग लुक में देखने को मिलता है, तो इसकी लुक वगैरह भी सच में बहुत अपर है, ठीक है। तो भाई अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भी आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए। एंड ये लैपटॉप गेमिंग के लिए अच्छा होने वाला है, वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा होने वाला है, आप प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हो, एडवांस रिजॉल्व भी यूज़ कर सकते हो, GTA 5 खेलनी है आप खेल सकते हो, जब BGMI वगैरह खेलनी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, रैम को अपग्रेड कर लेना, 32GB कर लेना और भी स्मूथली होने वाली है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नंबर टू की। सो नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर मैंने रखा है असूस की ओर से लैपटॉप। लाइक असूस के लैपटॉप ना गेमिंग के लिए एंड गेमिंग लुक के में देखा जाए ना तो वो बहुत हाई लेवल होते हैं यार। मैं बात कर रहा हूँ असूस रॉग जैबरस G14 की। इसका लुक, इसका डिज़ाइन एंड इसके स्पेसिफिकेशन आपको सच में बहुत अपर देखने का मिल जाते हैं। एंड 80,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप आपको मिल जाता है, जो स्पेसिफिकेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 14 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है, 100% sRGB के साथ देखने को मिल जाता है ये लैपटॉप। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होने वाली है। AMD Ryzen 7 मिलेगा 5800HS के साथ। इसका जो प्रोसेसर है सच में पावरफुल प्रोसेसर है, 8 कोर का ये प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 24GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाती है, 2019MS ऑफिस देखने को मिलेगा, GTX 1650 आपको 4GB ग्राफिक कार्ड, 12 आवर्स का बैटरी बैकअप, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ आपको 5.1 देखने को मिलेगा, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, मतलब कनेक्टिविटी इसकी भी अच्छी होने वाली है, LED लाइटिंग के साथ देखने को मिल जाता है, प्लस आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको असूस लैपटॉप के बता दिए। ये लैपटॉप आपको दो कलर्स में देखने को मिल जाता है एंड 80,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए ना तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आगे बताऊंगा वो इससे भी अच्छे होने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं नंबर वन की। तो नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर मैंने रखा है एसर की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ एसर नीट्रो 5 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो 85,000 के प्राइस रेंज में यह लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। 15.6 इंच के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल एचडी डिस्प्ले 144 रिफ्रेश रेट के साथ, i5 12th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट प्रोसेसर है यार, 12th जनरेशन 12 कोर का यह प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिलेगी, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 1315 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाती है, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे एंड ये ना आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इससे नीट्रो 5 के भी बता दिए। तो यार ये लैपटॉप लाइक 2022 मॉडल देखने को मिल जाता है, ये लैपटॉप पर नया लॉन्च हुआ है। एंड इसका प्राइस रेंज की बात करूँ ना तो यार 85,000 के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अगर आपको चाउड करना है, बाय करना है, तो मेरी ओर से आपको रिकमेंड ये है कि भाई अगर आप 80,000 खर्च रहे हो ना तो 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दो एंड आप इस लैपटॉप को लेकर आ जाओ, बिकॉज इसका प्रोसेसर, इसका ग्राफिक कार्ड, रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, गेमिंग डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। तो कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप यूज़ करोगे ना तो भैया आप नॉर्मली यूज़ कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ भी करते हो, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी कर रहे हो ना आप नॉर्मली यूज़ कर लोगे। तो यार अभी मैंने आपको इतना लैपटॉप बता दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।